हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरीटेक पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सनफ्लेक्स ब्लॉक्स का। आप दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, काफ़ी सुंदर सा कलरफुल प्रोडक्ट है। 3+ एज के लिए रिकमेंडेशन कंपनी की तरफ से है। ये है सीखो ब्रांड। अब सीखो नाम ही इतना अच्छा सीखो है तो इसको ब्लॉक से ज़रूर सीखेंगे हम कुछ ना कुछ। ये 250 ब्लॉक्स के साथ आता है। इसमें जो पैकिंग में लिखा हुआ है वो 250 पीसीस इसके अंदर है। तो इसको ओपन करते हैं हम। ओपन करने के बाद हमें ये मिलता है एक चार्ट जिसके ऊपर काफ़ी सारी डिटेलिंग दी गई है कि ये आप अलग अलग शेप में किस तरह से इसको बना सकते हैं। और जो मैं इसको दिखाई दे रहा है जो मुझे, तो इसमें बहुत सारी शेप्स हैं और इतनी सारी शेप्स यदि हम बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ शेप्स हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं जो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसको कर लेते हैं हम ओपन। ओपन के लिए हमें यहाँ पर इसको कटर से ये करना पड़ेगा। तो ये आप जो ब्लॉक्स देख रहे हैं ये क्वांटिटी जो है 250 है इसकी। और आप इसको बनाते कैसे हैं तो आप इस तरह से कहीं भी इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। और इस जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे मैंने ये चार जोड़े हैं और इसको इस तरह से जोड़ जोड़ के आप कुछ भी इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो आगे मैं एक शेप है जो बनाने वाला हूँ जल्दी। फ्रेंड्स, हम एक शेप बनाने की सोच रहे हैं तो उस शेप में सबसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं, ब्लैक जो इसके डॉट्स हैं। मैं इसको 5 यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये 3 है मैं इसको सिंगल यूज़ करूँगा, इसको 5 मानता हूँ। इससे जैसे ये 2 स्लैब हो गया है इस तरह से, 3, 4 एंड 5। अब ये इसको मैं इस तरह से बनाऊँगा, 1, 2, 3। अब इसको मैं आगे इस तरह से लेके जाऊँगा। इसको आप बीच में भी इस तरह से लॉक कर सकते हैं। जैसे आप, मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ और इसको यहाँ से, ये देखिए इस तरह से शेप बन जाएगी। ये देखिए मैंने एक बेस बना लिया है जो मैं एक टावर बनाना चाहता हूँ, उसका एक मैंने बेस बनाया है। अब बेस बनाने के बाद आगे का मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसके बाद इसको मैं रख देता हूँ एक साइड में। तो अब मैं छोटे छोटे ये बनाता हूँ इसमें अलग अलग कलर्स के जो फैन बनाए हुए इन्होंने ऐसे। पहले एक तरह से ये बनेगा, अब इसके एक तरह ये बनेगा, फिर इसमें ये इस तरह से बनेगा, फिर इसमें मैं इसमें पिंक कलर, अभी इसके एक फैन बना रहा हूँ पिंक कलर का। ये इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ये देखिए इसके बाद इसको हम थोड़ा सा एक एक जो छेद है वो भी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसमें और मज़ा आएगा आपको, ये कितना अच्छा बनता जा रहा है। अब इसमें कोई भी पेंडिंग नहीं रह गया, अब सिर्फ एक पॉइंट मेरे पास ये मिसिंग हो गया है, शायद इसमें कंपनी की तरफ से नहीं आया है या आ भी सकता था। तो मैं इसमें ब्लैक लगा रहा हूँ अभी, एक बार 2 ब्लैक फालतू पड़े थे ये नीचे। अब आप देख रहे हैं ये ऐसा है और ऐसे ही मैं सभी कलर्स के बनाने वाला हूँ। अब टोटल इसमें जितने भी कलर हैं सभी के कलर्स का मैं बनाऊँगा। अभी मैं ऑरेंज का बना के दिखाता हूँ आपको।
फ्रेंड्स हमने इसका जो बेस है वो देखिए थोड़ा सा इसको कम करके हमने ऊपर और लगा दिया ताकि इसकी हाइट ऊपर हो जाए। तो अभी जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट हमने ये एक सोचा है इसको सेंटर में लगाने का, हमने कर मल्टी कलर में लगा सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी रहेगा हमारे लिए। तो अब हम इसको सेंटर में लगाने वाले हैं। अब इस तरह से ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ये सेंटर में इस तरह से लग जाएगा। ये सेंटर अभी ये लग चुका है। अब इसके बाद में जो साइडों की वॉल है वो मैं बनाने वाला हूँ, और वो जो बाकी मैं बस ये जो मैंने राउंड बनाए हैं इनको जोड़ना है। एक तरह से ये पंखा बन जाएगा, ये मूव नहीं करेगा लेकिन एक शेप बन जाएगी। फ्रेंड्स हमने ये देखिए इसका जो बेस है जो राउंड शेप है वो हमने तैयार कर ली है काफ़ी सारी, और इसके जो अटैचमेंट्स है वो भी मैंने इसको बना लिया है, और कुछ मेरे पास ये ब्लॉक्स पेंडिंग है। अभी आपके सामने ये शेप मैंने बनाई है। अब इसको अटैच करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इस तरह से एक रिंग इस तरह से, और अब हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। ऐसे करते हुए हम सारे जो पार्ट हैं इसके ऐड करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब मुझे आइडिया नहीं है कि अभी ये सही लग रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक ब्लॉक बन गया है, मुझे तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए बड़ा प्यारा सा एक ब्लॉक बना है, पंखा सा बन गया है और बड़ा खूबसूरत सा शेप बनी है इसकी। और इसके बाद जो मज़ा आने वाला है दोस्तों, इसको जब हम लगाएंगे ना सच में, और बड़ा मज़ा आएगा आपको। मैं अब हमने एक इसका बीच का जो बेस है वो फिक्स किया है। अब आगे इस पर बहुत सारे बेस है जो इसके करने वाला हूँ, आप ये देखेंगे वन बाई वन में आपको इस तरह से अटैचमेंट हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था आज का जो मैंने लिया है, देखते हैं इसको जल्दी से कैसे पूरा कर पाता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसकी राउंड शेप भी बना दी है। हमें जो लगा कि जैसा पिक्चर में बना हुआ था वो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आप स्क्रीन पे देखिए ये पिक्चर को, इस पिक्चर के अनुसार इसमें ब्लॉक्स कम हैं, जितना भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो पिक्स इस ब्लॉक्स के नहीं बनी हुई है। इसमें ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए थे तब जाके वो बनती, लेकिन हमने कैसे भी करके इसको इतना कंप्लीट कर दिया है। कुछ ब्लॉक्स पेंडिंग रह गए हैं। अब जो उसके आगे के फर हैं जो आपने अभी फ़ोटो देखी, अब ये वाली आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो आप ये देखेंगे ये वाली हम फोटो बना रहे थे, काफ़ी अच्छा बेस और बन गया था। जितना बेस में मटेरियल लगा हुआ उतना ही हम लगाएं तो ये ब्लॉक सारे ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। तो अभी ये उतना नहीं बन पा रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर को कंप्लीट करने की। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी हमने जो ये राउंड शेप है इसको हम अटैच करेंगे इसके साथ। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये बन गया है, और एक सेंटर में फिर हम इसको लगा देते हैं। एक बच भी गया है मेरे पास, यदि हम इस तरह से इसको लगाएं तो ब्लॉक्स तो कहीं भी फिट हो जाते हैं, ऐसी बात तो इसमें नहीं है। तो ये खूबसूरत, अब आप देखिए कितना खूबसूरत सा एक फ्रेम बन चुका है। एक तरह से ये झूले का रूप ले लिया है इसने, काफ़ी सा अच्छा सारा फ्लावर पॉट सा बनाया हमने, काफ़ी खूबसूरत ये बन चुका है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो बनाया था ये है 250 ब्लॉक्स सीको ब्रांड के, और 3+ इसके लिए रिकमेंडेशन थे सनफ्लैक्स ब्लॉक्स। काफ़ी सुंदर सा प्रोडक्ट है, इनोवेटिव तो है, खैर इसमें काफ़ी दिमाग लगता है बनाने में, और इसको काफ़ी नई चीज़ें बनाने में बच्चों का जरूर दिमाग लगेगा, और ये काफ़ी खूबसूरत प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसमें हमें बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो गए हैं, और इसकी क्वालिटी अच्छी है, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसको यदि बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका लिंक, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके लिंक आपको मिलेंगे, आप वहाँ से नई वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए टॉय टेक पे। हम ऐसे टॉय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेके आते हैं जो आपको बताते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे हैं और कैसे इसको खेला जाता है बच्चों के लिए। खरीदने से पहले एक बार जरूर हमारे चैनल की वीडियो का रिव्यू जरूर चेक कीजिएगा, आपको खरीदने में आसानी रहेगी, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल पे। तो आप लिख भी सकते हैं, यदि आप किसी कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।